हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर चैप्टर 1 माउस पे। ठीक है, हम आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है। तो हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट प्रोसेस के बारे में। सेकेंड लेक्चर में हम कीबोर्ड क्या होता है, नहीं होता है, कीबोर्ड के बटन की यूजेस पढ़े थे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले माउस। ओके, तो कंटिन्यू। माउस पढ़ने वाले, सबसे पहले माउस होता क्या है, तो हम बात किए थे इनपुट में, इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है, जो डाटा को हम एंटर करते हैं कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर में, हम उसे इनपुट कहते हैं। तो इनपुट डिवाइस के दो एग्जांपल्स थे, कीबोर्ड एंड माउस। तो कीबोर्ड ने तो हम तो पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं माउस। माउस क्या है, माउस इज आल्सो कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। माउस इज आल्सो कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस माउस कहलाता है। इट इज यूज टू कंट्रोल द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। अब होता क्या है, अब देखो इस तरह का एक पॉइंटर बना हुआ, यहाँ पे पॉइंटर दिख रहा है, इस तरह का एक पॉइंटर बना हुआ होता है जो कंप्यूटर में, ठीक है, इस तरह का एक पॉइंटर रहता है, माउस पॉइंटर, हम इसे माउस पॉइंटर बोलते हैं। ठीक है, अब ये स्क्रीन पे माउस को हम जिस साइड से पॉइंटर को ले जाना चाहेंगे वो वहाँ पे जाएगा। ठीक है, ये हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है, ए माउस इज आल्सो कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस, इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। ये पॉइंट इधर उधर हमारा मॉनिटर स्क्रीन पे घूमते रहता है। अब क्या है, ए माउस हैज टू बटन्स, माउस के पास टू बटन्स होते हैं। ठीक है, लेफ्ट माउस बटन एंड राइट माउस बटन, देयर आर फोर एक्शन ऑफ माउस। अब यहाँ पे बात ये करें कि हमारे पास लेफ्ट बटन होता है, राइट बटन होता है, ये बटन का काम क्या होता है। ठीक है, अब इसका फोर, अब देखो यहाँ पे इसका फोर एक्शन मतलब फोर वर्ड है, क्या क्या है देखते हैं। फर्स्ट है क्लिकिंग, यहाँ पे हमें दिख रहा है क्लिकिंग। अब क्लिकिंग क्या होता है, क्लिकिंग मीन्स टू क्लिक द लेफ्ट माउस बटन ऑन, इट इज यूज टू सेलेक्ट एनीथिंग। अब यहाँ पे ये बोल क्या रहा है कि हमें किसी भी डाटा को सेलेक्ट करना है। ठीक है, किसी भी चीज को सेलेक्ट करना है, क्लिकिंग मीन्स टू क्लिक द लेफ्ट माउस बटन। अब माउस जो होता है, देखो इस तरह का माउस होता है, ठीक ना, तो माउस का ये जो लेफ्ट पार्ट है और ये राइट पार्ट है, ठीक है, ये लेफ्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट है। अब इसमें क्या होता है कि हम लेफ्ट बटन को जैसे ही दबाए, ठीक है, लेफ्ट बटन में क्या करते हैं, लेफ्ट बटन दबाने से हम किसी भी डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लो हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है यहाँ पे, यहाँ पे, अब हमें यहाँ से ये पूरा, यहाँ से यहाँ तक का डाटा को पूरा सिलेक्ट करना है। तो हम अपना ये जो पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग है, ये पॉइंटर यहाँ पे रखेंगे और लेफ्ट बटन को दबाएंगे तो ये डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा होगा कि क्लिकिंग मीन्स टू क्लिक द लेफ्ट माउस बटन, लेफ्ट माउस बटन क्लिक करना है, ऑन्स, ऑन्स का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक बार, यहाँ पे एक बटन है, इसे एक बार हम यहाँ पे पॉइंटर डिवाइस रख करके, ये जो पॉइंटर बटन है हमारा, ये पॉइंटर, इसे यहाँ पे रख के एक बार दबाएंगे पूरा डाटा को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, इस लाइन वाले सारे डाटा को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अब जो इट इज यूज टू सिलेक्ट एनीथिंग, जितने भी है वर्ड वो सभी वर्ड को वो सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, क्लिकिंग का मतलब। अब डबल क्लिकिंग, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है क्लिकिंग के बाद डबल क्लिकिंग, अब इसका क्या मतलब होता है, अब यहाँ पे बोल रहा है डबल क्लिकिंग मीन्स टू क्लिक द लेफ्ट माउस बटन ट्विस्ट। अब यहाँ पे वंस का मतलब एक था, अब यहाँ पे बोल रहा है ट्विस्ट, ट्विस्ट का मतलब दो, एट अ टाइम विदाउट गिविंग अ पॉज, इट इज यूज टू ओपन एन एप्लीकेशन। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी, हमारे कंप्यूटर में हमें किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करना है, ठीक है, तो
तो वहां पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लेफ्ट बटन दिख रहा है, यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट बटन दिख रहा है, इस लेफ्ट बटन को एट ए टाइम दो बार क्लिक करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम एक बार क्लिक किए फिर रुक गए फिर क्लिक किए, तो ऐसे में एप्लीकेशन ऑफेंड नहीं होगा। हमें एट ए टाइम एक साथ दो बार उसे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पॉइंट है, इसे एक साथ दो बार करना है, ठीक है, सिंगल नहीं, एक साथ दो बार हम उसे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वो कोई भी एप्लीकेशन को ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये लिख रहा है डबल क्लिकिंग मीन्स टू क्लिक द लेफ्ट माउस। डबल क्लिकिंग का मीन्स क्या है, लेफ्ट माउस को क्लिक करना है, लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करना है, ट्विस्ट मीन्स दो बार एट अ टाइम, एक ही समय में एक ही बार में दो बार क्लिक करना है विदाउट गिविंग अ पॉज, बिना रुके हुए दो बार। इट इज यूज टू ओपन एन एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन को वो ओपन कर सकता है, उसके बाद आप यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब आते हैं राइट क्लिक पे। राइट क्लिक मीन्स टू प्रेस द राइट माउस बटन, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, राइट क्लिक मीन्स टू प्रेस द राइट माउस बटन ऑन इट इज डिस्प्ले लिस्ट ऑप्शन। अब इसमें क्या बोल रहा है, अब आते हैं राइट बटन पे। राइट बटन पे क्या बोल रहा है कि हम राइट बटन को जैसे ही ऑन्स, यहां पे लिख दिया ऑन्स मींस राइट क्लिक मींस टू प्रेस द राइट माउस बटन ऑन्स, मतलब राइट माउस बटन है उसे आप एक बार दबाओगे तो आपके सामने एक लिस्ट डिस्प्ले होगा, ठीक है। उस लिस्ट में आप क्या कर सकते हो, वॉलपेपर चेंज कर सकते हो, फोल्डर बना सकते हो, फाइल बना सकते हो, एनीथिंग जो भी हो, ठीक है। तो आप उससे क्या होगा कि राइट बटन को जैसे ही क्लिक करोगे एक लिस्ट आएगा, ठीक है। अब आता है ड्रैग एंड ड्रॉप। अब इसमें क्या बोल रहा है, दिस एक्शन ऑफ माउस इज यूज टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। इसमें ये बोला जा रहा है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से आप किसी भी एप्लीकेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाके जा सकते हो, ठीक है। वैसे ही लिख रहा है, दिस एक्शन ऑफ माउस इज यूज टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आप लेके जा सकते हो, मूव कर सकते हो, ठीक है। प्रेस लेफ्ट माउस बटन ऑन्स, होल्ड इट एंड मूव द माउस टू ड्रैग द ऑब्जेक्ट। अब ये क्या बोल रहा है, हमारा जो लेफ्ट माउस बटन है, लेफ्ट माउस बटन को वहां पे क्लिक करना है और उसे छोड़ना नहीं है, उसे होल्ड दबाए हुए रखना है और फिर उस एप्लीकेशन पे पॉइंट, मान लो कि कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, यहाँ पे कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, ये एप्लीकेशन है। अब ये अपना पॉइंटर को ले जाकर के यहाँ पे रखना है, लेफ्ट बटन को क्लिक करना है, हमारे लेफ्ट बटन को क्लिक करना है और उसे दबाए रखना है और एक मूव से दूसरे मूव प्लेस तक, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाना है, ठीक है। ये हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप का काम है। यहाँ पर देन रिलीज द माउस, ठीक है, आप एक जगह से दूसरी जगह लेके चले गए फिर माउस को रिलीज करो। तो ये था माउस का वर्क, ठीक है। माउस क्या था, माउस सबसे पहले है क्या, माउस एक इनपुट डिवाइस है। ए माउस इज आल्सो कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस, इट इज यूज टू कंट्रोल द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। माउस से किसी भी डाटा को एंटर करने का काम करते हैं, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अब माउस पे क्या बोले कि ए माउस हैज टू बटन, लेफ्ट माउस बटन एंड राइट माउस बटन, देयर आर फोर एक्शन ऑफ माउस, यहाँ पे फोर एक्शन होते हैं, ठीक है। माउस के तो हम यहाँ पे दो बटन पढ़ रहे हैं, माउस के थ्री बटन होते हैं, ठीक है, लेफ्ट बटन राइट बटन एंड स्क्रॉल बटन यहाँ पे होता है, ठीक है। तो स्क्रॉल बटन के बारे में कुछ नहीं, हम उसे पेज को, डाटा को देखने के लिए करते हैं, ठीक है। किसी भी डाटा को, हमें ऊपर का डाटा देखना है तो स्क्रॉल बटन का यूज करते हैं, नीचे का डाटा को देखना है तो स्क्रॉल बटन को यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात क्या कर रहे थे कि इसके चार पार्ट्स होते हैं, क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग, राइट क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो क्लिकिंग में हम क्या बात किए थे कि हम किसी भी डाटा को सिलेक्ट करना है,
हमारे इस लाइन के डाटा को सिलेक्ट करना है, तो हम वहाँ पे पॉइंटर पॉइंटर को वहाँ पे ले जा करके लेफ्ट बटन को दबाएंगे एक बार, तो वो डाटा वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। डबल क्लिकिंग में क्या बात किए थे कि हम किसी भी डाटा को किसी भी डाटा को ओपन करना है, किसी भी एप्लीकेशन को, कोई भी एप्लीकेशन हो, आप उसे कंप्यूटर में ओपन करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, उससे वहाँ पे पॉइंटर, अपना पॉइंटर लेकर के जाओगे, डबल क्लिक दबाओगे, डबल क्लिक दबाने पे क्या होगा, डबल क्लिक दबा करने पे आप वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। थर्ड नंबर में क्या बताए थे, राइट क्लिक, राइट क्लिक में राइट माउस का राइट बटन दबाने पे क्या होगा, एक लिस्ट ओपन हो गया आएगा, जिस लिस्ट में बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, उस ऑप्शन में से आप वॉलपेपर बना सकते हो, फाइल बना सकते हो, फोल्डर बना सकते हो, एनीथिंग, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप में क्या बताए थे कि हमें ये एप्लीकेशन है, हमें ये फाइल है, फोल्डर है, कुछ भी है, आप एमएस वर्ड में कुछ फाइल बनाए हो, उसे डेस्कटॉप पे सेव कर दी हो, कोई भी डाटा को आप बनाए हो, कुछ भी सेव करके रखे हो, आपको वो फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है। अब इसे मोबाइल में देखते हो, एप्लीकेशन होता है, एक एप्लीकेशन को यहाँ से उठा के दूसरी जगह पे रखना होता है, तो आप उसे क्या करते हो, सिंपली प्रेस करते हो और दूसरी जगह मूव कर देते हो। तो वैसे इसमें होता है, इसमें आपको क्या करना पड़ता है, पॉइंटर को वहाँ पे ले जा करके लेफ्ट बटन को वहाँ पे होल्ड करके और उस पॉइंटर को दूसरी जगह ले जाके रखना होता है, तो आपका एप्लीकेशन एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव करता है। ओके, तो आज हम बात की माउस पे, माउस को डिटेल्स में समझे, कल की क्लास में हम बात की थी कीबोर्ड को, कीबोर्ड को डिटेल्स में समझे, ठीक है। अब हम जब न्यू वीडियो में आएंगे, न्यू लेक्चर्स, लेक्चर 4 वो आपका आखिरी लेक्चर होगा, जिसमें हम कंप्यूटर के एडवांटेज एंड कंप्यूटर के डिसएडवांटेज की बात करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा फिर चैप्टर 1 इन हमारा ये जो फंडामेंटल का टॉपिक था ये समाप्त हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, जिसमें हम चैप्टर 2 इसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे, विंडोज़ के बारे में पढ़ेंगे, विंडोज़ में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ये सब की बात करेंगे, ठीक है। तो आज हमने माउस को डिटेल्स में समझा, तो आप इसे पढ़े, अच्छे से देखें और इसका प्रॉपर नोट्स बनाए, और अगर किसी बच्चे को चैप्टर 1 का नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज करें, हम आपको नोट्स देंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।